हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के वर्तमान में प्रमुख पदाधिकारी। ठीक है, अब जो पद हैं और उनके जो स्पेसिफिक उन पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, इनसे रिलेटेड ऑलवेज एग्जाम में जो जीके वाला मैंडेटरी पेपर है, राजस्थान में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम याद रखेंगे। साथ में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं बताता हुआ चलूँगा। तो देखिए, जिस तरह से राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता प्रमुख होता है आपका राष्ट्रपति, उसी तरह से राज्य का संवैधानिक प्रमुख और राज्य का प्रथम नागरिक वो राज्यपाल होता है, और ये ही हमारे श्री कलराज मिश्र। ठीक है, ओके। अब बात आती है, क्या एक पर्सन को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक से अधिक राज्यों का भी इन्हें राज्यपाल बना सकते हैं। मुख्यमंत्री है वो किन किन का आपके अध्यक्ष हो सकता है? तो वित्त मंत्री है, अध्यक्ष होते हैं इन्वेस्टमेंट बोर्ड के मुख्यमंत्री, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल के मेन अध्यक्ष होते हैं, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के भी ये अध्यक्ष होते हैं, तो श्री अशोक गहलोत हैं। ओके, और मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का वो पूछें आपसे तो जस्टिस इंद्रजीत महांती हैं, जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं आपके उच्च न्यायालय यानी कि न्यायपालिका के। मुख्य सचिव पूछा जाए, देखिए आपके प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रशासनिक प्रमुख जो कि स्थायी होता है, जो कि आपके आरपीएससी और आईएएस से चुन के अधिकारी आते हैं, मोस्टली आईएएस से चुन के अधिकारी आते हैं, वो मुख्य सचिव बनते हैं। तो प्रशासनिक जो प्रणाली है उसमें मेन सबसे अहम भूमिका, सबसे पहली भूमिका मुख्य सचिव की होती है। ठीक है, ये राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव हैं निरंजन कुमार आर्य। ठीक है, अगर अध्यक्ष पूछा जाए आपसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का, तो ये भी आईएएस ही होते हैं आरपीएससी, तो इसके हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव। अगर आपसे पूछा जाए आरपीएससी में मेंबर कितने होते हैं, तो अध्यक्ष सहित 8 होते हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो घुंघरा घाटी अजमेर में स्थित है। कौन सी जगह है? अजमेर में घुंघरा घाटी में स्थित है। ओके ओके, अब आपको याद रहना चाहिए कि आरपीएससी है वो भर्ती करवाती है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की, वो 5,000 से कम पे स्केल वालों के लिए नहीं करवाती है, उससे हायर पे स्केल वालों के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। लेकिन आपसे पूछा जाए अधीनस्थ बोर्ड आरएसएमएसएसपी, जो आरएसएसपी बोर्ड होता है आपका, और जिसे आप बोल सकते हो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष कौन है? बीएल जाटावत, जिन्हें अब हटा दिया गया है। ठीक है, बीएल जाटावत नहीं है अब। ठीक है, ओके। अगला है हमारा, ओके, मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हैं डीबी गुप्ता। कौन है? डीबी गुप्ता। ओके, महानिदेशक राजस्थान पुलिस के हैं एमएल लाठर। कौन है? एमएल लाठर। पुलिस कमिश्नर जयपुर के हैं आनंद श्रीवास्तव। आनंद श्रीवास्तव, ओके ओके। आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष हैं 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी है, और विधानसभा में जो बहुमत लेके आता है, उस बहुमत जिस दल का बहुमत होता है उसका मुख्य नेता को आप क्या चुनते हैं? मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो 15वीं विधानसभा है जिसमें बहुमत किसे मिला है? कांग्रेस को मिला है, और कांग्रेस में बहुमत के दल के नेता कौन थे आपके? अशोक गहलोत जी, इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। महाधिवक्ता बात करें तो राजस्थान में आप लॉ का सबसे उच्च अधिकारी माना जाता है, वो महाधिवक्ता होता है, और ये हैं एम एस सिंघवी। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो जो कि आपके चुनावों से को लेके सारे चुनाव हैं उन्हें कंडक्ट करवाता है, वो प्रेम सिंह मेहरा हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपके प्रवीण गुप्ता हैं। ठीक है, अध्यक्ष बात करें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा हैं। अध्यक्ष बीजेपी के कौन है? सतीश चंद्र पूनिया हैं। नेता प्रतिपक्ष 15वीं विधानसभा के कौन है? गुलाब चंद कटारिया हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर डी पी जारौली। ठीक है, डी पी जारौली। जल लेखा समिति के कौन है अध्यक्ष आपके? गुलाब चंद कटारिया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस संगीत राज लोढ़ा। राजस्थान ओलंपिक समिति के कौन है? जनार्दन सिंह गहलोत। ठीक है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत। ओके ओके, नवीन राज्य नव परिवर्तन प्रवर्तन परिषद के हैं मुख्य सचिव होते हैं, इनके अध्यक्ष होता है, जो मुख्य सचिव होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन है एन सी गोयल।
ठीक है। ये रेरा आपके आवासन मंडल से संबंधित है, जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं उनका जो क्रियान्वयन है और उनका ऑनलाइन कितना प्राइसेस हैं, सब कुछ जो होता है आवासन मंडल वो इस प्रोसेस के थ्रू करता है, रेरा एक्ट के थ्रू। राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है? तो धीरज कुमार श्रीवास्तव हैं। कौन है? धीरज कुमार श्रीवास्तव हैं। अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कौन है? तो संगीता बेनीवाल है। तो ये 26 मुख्य पदाधिकारी हैं जो आपको याद रखने हैं और ऑलवेज एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आएगी वीडियो। अगले टॉपिक में हम ऐसे ही कई नए टॉपिक की बात करेंगे। थैंक्स।